स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, चुनाव के 6 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 1 चरण बाकी है और सबको ये फिक्र है कि आखिर 4 जून को क्या होने वाला है। सब तरफ एक ही चर्चा है, इंडिया या एनडीए। 486 सीटों पर चुनाव हो चुका है और 57 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, जो कि 1 तारीख को, उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो 300 पार भी होना मुश्किल है और 7वां चरण आते आते ये आशंका जताई जा रही है कि ऐसा ना हो कि 250 तक ही ये मामला सिमट जाए। बहरहाल ये अलग अलग लोगों का अनुमान है, फाइनल 4 तारीख को ही पता लगेगा। जनता के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था, एनडीए या इंडिया। जो समर्थक थे सत्ता पक्ष के, उनके पास एनडीए का विकल्प था और बाकी लोगों के पास इंडिया का विकल्प था। साथ ही उसके पास 2 विकल्प थे, जो लोग इस सरकार से खुश थे उसके पास एनडीए का विकल्प था और जो लोग इनसे नाखुश थे उनके पास इंडिया का विकल्प था। बाकी तीसरा कोई दल सामने नजर नहीं आया था। चंद इक्का दुक्का सीटें या कुछ निर्दलियों के अलावा इन दोनों की आपस में सीधी टक्कर थी। मोदी जी जो अमूमन 3-4 रैलियां रोज करते थे, वो अब शांत हैं। ये चीजें नई सामने निकल के आ रही हैं, जिसे चुनाव के नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी सरकार ने आर्मी चीफ मनोज पांडे को एक्सटेंशन दे दिया, यानी कि विस्तार दे दिया है। संसद भवन की मॉकड्रिल की जा रही है, संसद की सिक्योरिटी में बदलाव किया गया है। हालांकि नए आर्मी चीफ का भी ऐलान किया जा सकता था, बहरहाल नए आर्मी चीफ का ऐलान नहीं किया गया, उन्हें ही विस्तार दे दिया गया। आर्मी में ये परंपरा है कि जो सीनियर होते हैं उनको आर्मी चीफ बनाया जाता है, ये एक सेना की परंपरा है। लेकिन अब वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए जूनियरों को प्रमोट किया जा रहा है, उन्हें आर्मी चीफ बनाया जा रहा है। जब नौसेना प्रमुख को चुनाव के दौरान नियुक्त किया जा सकता है, उनकी नियुक्ति हो सकती है, तो आर्मी चीफ की भी नियुक्ति की जा सकती थी। इन सब घटनाओं को चुनाव के रिजल्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। इन सब चीजों को जोड़कर देखा जाए तो 4 जून को कुछ बड़ा हो सकता है। इसके लिए सरकार चाहती है कि जिन पर कॉन्फिडेंस है, जिन पर भरोसा है, उनको बनाए रखा जाए। संसद की मॉक ड्रिल की जा रही है, ये पहली बार हुआ है, अब से पहले कभी देखने में नहीं। आखिर हमारे संसद को आखिर किससे खतरा है? DRDO चीफ को 1 साल के लिए विस्तार दे दिया गया है। लोकपाल के सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है, कानून मंत्रालय में सेक्रेटरी को ट्रांसफर करके भेजा गया है। प्रदीप कुमार जो IAS हैं, इन्हें सेक्रेटरी लोकपाल बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिनको सही जगह अपॉइंट किया जा रहा है। आखिर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में पक क्या रहा है? आखिर क्या होने जा रहा है 4 जून को? क्या 4 जून से पहले कुछ फाइलों को निपटाया जा रहा है? अभी 4 जून आने में समय है, यानी कि चुनाव का रिजल्ट आने में समय है। हो सकता है इस दौरान और भी बहुत सी फाइलों को निपटाया जाए। दोस्तों, 4 जून को क्या होने वाला है, उससे पहले क्या होने वाला है, ये सब जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक ये जानकारी पहुंच सके। इस वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।